जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों। लाडो, बहुत दिन से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं जब से एसएससी जीडी के मेडिकल शुरू हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार मेडिकल में 3 गुना पास नहीं किए गए और बहुत सारे बच्चे मेडिकल में फेल भी हो रहे हैं। मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आंकड़ा बताया था कि जो बच्चा इस बार मेडिकल क्वालिफाई हो रहा है उसके पूरे पूरे चांस हो रहे हैं सिलेक्शन होने के। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है 50,000 पोस्ट पर 90,000 विद्यार्थियों को इस बार मेडिकल के लिए बुलाया गया है। ठीक है, मेडिकल के लिए कितने को बुलाया गया है? मेडिकल के लिए 90,000। और अभी तक जितने भी मेडिकल सेंटरों में जो बच्चे मेडिकल देखे हैं उनका सबका रेशियो ऐसा है कि मान के चलिए अगर 100 बच्चे मेडिकल दे रहे हैं तो उसमें से मान के चलिए कि 20 बच्चे तो वहां पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं या उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बाकी बच्चे 80 बच्चे, इन 80 बच्चों में से 20 बच्चे 100% मेडिकल में अनफिट हो रहे हैं, यानी चाहे रीमेडिकल के बाद लो कैसे भी कर लो, 20 बच्चे 80 में से मेडिकल अनफिट हो रहे हैं, तो बाकी बच्चे 60, यानी कुल मिला के 60% बच्चे 100 में से अभी तक आगे ले जा रहे हैं। रीमेडिकल में काफी बच्चों को पास भी कर दिया जा रहा है, कुछ मेजर पॉइंट में बार किया जा रहा है। तो अब मान के चलिए अगर 90,000 बच्चों का अगर हम 60% निकालें, देखिए 90,000 बच्चों का अगर हम 60% निकालें तो 90,000 × 60, 20 से 20 गए 0, 0, 0 और 9 6 की 54, यानी 54,000 बच्चे रहेंगे फाइनल मेट के लिए। अब इन 54,000 को हम ये भी मान सकते हैं, चलो इसमें 2-4,000 और बढ़ा लो कि सर जी मान लो और भी ज्यादा फिट हो जाए, तो मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 60,000 बच्चे आ जाएंगे। अगर 60,000 बच्चों में से 50,000 बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा ना, तो बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जहां पर सीटें फिलअप नहीं होगी, खाली रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि कैटेगरी वाइज, जैसे एसटी कैटेगरी की सीट किसी को दे नहीं सकते, नक्सल एरिया की सीट किसी को दे नहीं सकते, या लिमिटेड कुछ सीटें ऐसी होती है जो किसी को नहीं दे सकते, या किसी स्टेट वाइज जो मेरिट निकलती है वहां पर सीटें नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में काफी चांस है सेकेंड लिस्ट आने का। ठीक है, सेकेंड लिस्ट आने का बहुत चांस है इस बार ऐसे जीडी मेडिकल के लिए। तो पहला ये क्वेश्चन बनता है कि सर सेकेंड लिस्ट अगर आएगी तो कब तक आएगी? देखिए चांस क्यों बनता है वो तो मैंने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। अंत में ऐसा होता है हर बार 3 गुना पास, यानी लगभग अभी 1.5 लाख बच्चों को पास किया जाता और उनमें से मेडिकल फिट करके लगभग 1 लाख या 90,000 बच्चे रहते, यानी एक सीट पे 2 बच्चे रहते और उनमें से एक बच्चा सिलेक्ट होता। अक्सर ऐसा ही होता है एसएससीजीडी में, इसी बार ऐसा हो रहा है, तभी मैंने बोला जो बच्चा मेडिकल फिट हो गया समझो सिलेक्शन हो गया। मेरिट इस बार ज्यादा आंकड़े नहीं बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 नंबर। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप 4-5 नंबर क्यों बता रहे हो जब बढ़ेगी नहीं 4-5 नंबर में, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का था ना लाडले, तो 2-4 नंबर बढ़ी, इसका मतलब 2 ही क्वेश्चन बढ़ी है, यानी 2 ही नंबर बढ़ी है। तो सेकंड लिस्ट आएगी तो कब आएगी? एक चीज और बता दो लाडलो, जो भी बच्चे जिनके नंबर मेडिकल में रह गए हैं या जिनके नंबर कम में रह गए, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू कर दीजिए लाडो। दिल्ली पुलिस का हमारा भी ऑनलाइन बैच भी शुरू हो गया, ऑफलाइन एकेडमी में भी अभी बैच चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आ सकते हैं, फुल गारंटी बैच है दिल्ली पुलिस का, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अकेडमी आ सकते हैं। तो सेकंड लिस्ट आने के चांसेस कब है? अगर सेकंड लिस्ट आएगी, अब आप एक चीज, हाँ मुझे पता है कई ज्ञानी ये भी बोलेंगे सर सेकंड लिस्ट क्यों आएगी, पिछली बार भी आपको पता हो तो सेकंड लिस्ट आई थी, अगर आपको पता हो, क्योंकि देखो आप कई बच्चे से हैं जो एसएससी जीडी की 2023 वाली भर्ती देख रहे हैं, जबकि मैं एसएससी जीडी की 2011 से फॉलो कर रहा हूं, 2011 से, 2015 वाली में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2013 वाली भी मैंने वैकेंसी देखी थी और उसके बाद में तो लगातार देख रहा हूं, 2018, 2021 हर एक भर्ती का एनालाइज मैंने किया है, कितनी कट ऑफ रह सकती है क्या, हर एक भर्ती के आंकड़े देखे हैं मैंने, तो उसी आधारित मैं बता रहा हूं कि सेकंड लिस्ट आने के पूरे चांसेस हैं। अगर आएगी तो कब तक आएगी, तो मैं आपको बता दूं, पहले मेडिकल संपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 10 अगस्त तक ये मेडिकल टोटल कंप्लीट होंगे और 10 अगस्त के बाद में ये क्लियर होगा कि कितने बच्चे मेडिकल फिट हुए। ठीक है, जो बच्चे मेडिकल फिट हुए उसके आधारित फिर अगली रहेगी कि जो बच्चे मेडिकल फिट हुए उससे क्या अपनी जो सीटें हैं 50,000 क्या फिलअप हो रही है। अब मैं एक चीज और बता दूं, 50,000 में से 2-3 हजार सीट तो ऐसी रहेगी जो फिलअप लास्ट तक भी नहीं होगी, मेडिकल की लिस्ट निकालेंगे तो भी नहीं होगी, क्योंकि वो आरक्षित सीटें होती है, वो नहीं होती फिलअप। ठीक है, वहां पर बच्चे जो नॉर्मल क्राइटेरिया उसको भी फिल नहीं कर पाते, तो वो तो नहीं होगी। तो उसके बाद में आएगी, अगर आएगी तो आपको इसकी सूचना मिलेगी 15 अगस्त के आसपास। चांसेस तो पूरा इस बार जिस हिसाब से मेरा, आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है सेकंड लिस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, जिस हिसाब से अभी तक मैं मेडिकल के रेशियो देख रहा हूं तो जो हमने अनुमान लगाया ना वो पूरा सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अब ऐसा हो जाए कि वो ये सोच ले एसएससी कि हमारे भले सीटें 40,000 ही भरे, हम 40,000 ही भर लेंगे, तो उस कंडीशन में सेकंड लिस्ट ना निकाले, सेकंड लिस्ट आएगी।
अब आप ये भी सोच रहे हो किस तरह आप 4-5 नंबर ऊपर क्यों बता रहे हो, फिर जब 54,000 बच्चे ही बचेंगे तो फिर 50,000 लेना तो इतनी जाएगी नहीं। लेकिन लाडले कुछ कैटेगरी में बच्चे बहुत रहेंगे, कुछ कैटेगरी में बहुत कम रहेंगे। 54,000 में मान लो ओबीसी की सीटें मान के चलो कि 9,000 है, लेकिन ओबीसी में तो बच्चे पास 18,000 हुए, तो इनकी तो कट ऑफ निकलेगी ना। ओवरऑल तो डाउन रहेगी लेकिन इनकी तो निकलेगी। जनरल में मान लो सीटें 10,000 है और बच्चे 20,000 पास हो गए। एससी एसटी कैटेगरी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक अंक भी ऊपर जाने की बहुत कम चांसेस है, लेकिन इनमें तो जाएगी ना, उस हिसाब से मैं ये नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट के चांस तो है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। कुछ बच्चे के जिनके कम नंबर, 1-2 नंबर हो सकता है कि आपका भी काम बढ़ चल गए। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।